हेलो एवरीवन। सो कंपनी हैज यानी कि HEG डेली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 14 अगस्त। सो लास्ट टाइम क्या था कि ओवरऑल जो मंथली अपना चल रहा था नीचे से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था मंथली का चलना विद वॉल्यूम्स, बट ऊपर जाके कुछ रेजिस्टेंस ऐसी बन गई थी जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो ब्रेक होने के बाद ही प्राइसिंग ठीक ठाक एंगल में ऊपर मूव हो सकती है। पर डेली पे देख लेते हैं जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस बने थे उसमें हुआ क्या था। सो लास्ट टाइम पे कैंडल्स कुछ इस जगह पे थी अराउंड 2 वीक्स पहले, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कैंडल्स यहाँ बनी हैं वो थोड़ी सी वीक कैंडल बन रही हैं, क्योंकि इसकी अपर शेडो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, हर कैंडल्स की। तो हो सकता है कि इस एंगल से यानी कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करे या यहाँ फ्लैग वगैरह टाइप की चीज़ें बने, तो वैसे ही हुआ। हालांकि एक कैंडल यानी कि इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैंडल ने काफ़ी एक बुलिश कैंडल बनी एंड शेडो भी नहीं थी कुछ ज़्यादा बड़ी या थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी था। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया बट वो ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद में एक कैंडल बनी जिसमें भी थोड़ी अपर शेडो ज़्यादा थी, उसके बाद फिर से बैरिश कैंडल, देन फिर से वही हुआ, प्राइसिंग नीचे आ गई। अब है क्या यहाँ पे, ये रिट्रेस टाइप का बन रहा है इस पोजीशन पे, इस पूरे एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा पॉसिबल है कि अगर थोड़ी सी इसके अंदर बुलिशनेस है तो यहाँ से फिर से ट्राई करेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो बस कंडीशन फिर से वही सेम है, अगर ब्रेक करता है तो वॉल्यूम चाहिए ठीक ठाक और कैंडल चाहिए इस टाइप की जो यहाँ बनी थी। एंड ये पॉसिबिलिटीज हैं कि रिट्रेस करके शायद ऊपर निकले तो इस बार ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए। बट यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स इस टाइप के बने थे, यहाँ पे अगर इस टाइप का वॉल्यूम बनता है तो वहाँ थोड़ा सा थोड़ा ऑप्शनल हो जाएगा। अगर इस टाइप का वॉल्यूम बना, अगर वॉल्यूम उससे थोड़ा बड़ा बनता है तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फर्म होके एंट्री ले सकते हैं। बट फिलहाल के लिए चीज़ क्या है कि इसकी एंट्री कन्फर्म तब होगी तब एक कैंडल और वॉल्यूम्स दोनों ठीक ठाक एक अप टू दी मार्क बन जाएंगे, ताकि लगे कि हाँ यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है। किसी भी और टाइप के ब्रेकआउट यानी कि सिर्फ ब्रेकआउट दे दे और कैंडल्स और वॉल्यूम में दम नहीं है तो वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। तो नॉर्मली है क्या, हमको रिट्रेस किया है, हमको यहाँ से ये ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, एक अच्छी कैंडल के साथ में, तो वही ब्रेकआउट सस्टेनेबल रहेगा। सो दिस इज ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।